आखिरकार चुनावी संग्राम का बिगुल आज बज ही गया और आज 20 तारीख है। आज चुनाव सीतामढ़ी के इलाके में लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान हो रहे हैं। मैंने भी अपना मतदान कर दिया। क्या आपने अभी तक मतदान नहीं किया तो आप अपने अपने घरों से बाहर निकलिए। मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला के सैदपुर प्रखंड के गाढ़ा में हूँ। यहाँ पर समझते हैं लोगों से मिजाज क्या बना है, क्या विकास के लिए, जात के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, 5 kg अनाज के लिए, या फिर मकसद कुछ और है। समझते हैं, करते हैं लोगों से बात, कौन बनेगा सीतामढ़ी का सरताज और किसके सरे बंधेगा सीतामढ़ी का ये ताज। मोज पताव दे रहे हो भाई, क्या कहा जा रहा है मतदान? मतदान तो अभी रिजल्ट के बाद पता लगेगा। अब बाकी मतदान कर दिए, मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है। क्या नाम आपका? मेरा सचिन नाम है। सचिन नाम है क्या भैया? मतदान हो गया? नहीं अभी, हम अभी नहीं हुआ। कहाँ जाएगा मतदान? क्या देखना है इस मतदान में? क्या है? रोजगार है, पलायन है, राष्ट्र है, अनाज है, क्या है? क्या राष्ट्र है? राष्ट्र में तो हम लोग है। मोदी के नाम पर ही है, मगर अब सरकार देखिए तो पलटू राम चलिए रहा है बिहार में। आपके देखिए क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, और भी लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम भैया? शशि कपूर झा। शशि कपूर झा, क्या भोटवा जाई जात पर, विकास पर? न जात पर, न पात पर, सिर्फ देश बचाओ के बात पर। अच्छा, भारत में सैनिक का गला नहीं ना कटा रहा 15 साल से। अच्छा, नहीं कट रहा। कांग्रेस के शासन में आर्मी का जवान का गला काट के पाकिस्तान ले जाता था। अच्छा, देश मजबूत करना है तो अभी भी मर रहा है? नहीं मर रहा है, गला काट के नहीं ना ले जा रहा। सैनिक का गोली है, बॉर्डर पर गोली चलता है, मरता है। पाकिस्तानी सेना गला काट के कांग्रेस के शासन में जो ले गया आर्मी का, तो आर्मी में जात है, सब जात का बच्चा आर्मी में है। तो हमको देश के नाम पर वोट देना है, इसमें जात पात का क्या बात है? जात पात का कोई बात, कोई जात पात नहीं है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। और बिहार में कितना सीट मिलने जा रहा है? सीट का हम उतना बड़ा ऑब्जर्वर तो नहीं घूमते, आप यहाँ बताइए कितना सीट मिलने जा रहा है। हम तो कहें जनता को 40 में 40 दे दो। क्या चाचा, दाढ़ी पक गया, उम्र बहुत सारे बीते, कई चुनाव आए और गए। चचा, इस चुनाव से क्या गरीबन का जिंदगी बदलता है? चुनाव होने से गरीब के जिंदगी में कोई बदलाव होता है कि नहीं होता है? बदलाव होता है, होता है। क्या बदलाव हुआ? हाँ बदलाव हुआ है तो बताइए। बदलाव नहीं होता है, होबो करता है। चुनाव से क्या गरीबों का जिंदगी बदलता है? तो पढ़े लिखे रहते तो आप लेकर काम नहीं करते हैं। क्या नाम है? संजीत कुमार छोटू। संजीत कुमार छोटू, छोटू जी, इस चुनाव में किस मुद्दे पर वोट जा रहा है? विकास के मुद्दे पर जा रहा है, रोजगार के मुद्दे पर जा रहा है, पलायन के मुद्दे पर जा रहा है? रोजगार पर, जॉब पर। हाँ, हम लोग लालटेन के वोट हम लोग करके भी आए हैं। अच्छा, लालटेन को करके आए हैं? इसलिए करके आए हैं कि 22 साल दिवेश चंद ठाकुर यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हुए हैं। एक भी काम उनका जो है सो पूरे जो है सो जिला में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अर्जुन राज जी का उन्होंने कहा कि हमारी किताब को पढ़ते हुए 3 घंटा लग जाएगा जब हमारा विकास पढ़िएगा। उनका विकास तो जो है सो एक पत्रकार आप ही के पूछे उनसे कि खोज के बताइए इधर का विकास, तो एक भी विकास वो बता नहीं पाए। अच्छा, और अर्जुन राज जी का विकास जो है सो आप सभी साथी देखे होंगे, उनका विकास, उनका हर चीज, उस सारे बिंदु पर हम लोग जैसे लालटेन के लिए हम लोग वोट करते हैं। किस चीज पर जा रहा है ये चुनाव? पलायन पर, रोजगार पर, या कहाँ जा रहा है? ये पूर्ण रूपेण जनता बीजेपी का जो झांसा देने का जो उनका नेचर था, जनता पूर्ण रूपेण समझ गया है। और जनता आज रोजगार की बात कर रहा है, आज जो महंगाई बढ़ा हुआ है उस महंगाई की बात कर रहा है, आज बेरोजगारी की बात कर रहा है। तो और क्या नाम हुआ? महादेव दास मेरा नाम हुआ। अच्छा जी, पिछले साल किसको वोट दिए थे?
पिछले साल भी हम लोग जो विकास करने वाला है उसको वोट दिए। अच्छा, जो विकास की बात करता है, रोजगार की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, उसको वोट जनता को भी करना चाहिए और हम लोग उसी को वोट करने जा रहे हैं और कर रहे हैं वोट। नीतीश कहते हैं काम हमने किया, क्रेडिट उसने ले लिया। नहीं, वो तो 9 बार पलटी मारे है, जो ये 18 साल में 9 बार जो चीफ मिनिस्टर पलटी मारने वाला हो वो विकास क्या करेगा, ये तो पलटी मारने से ही पता चलता है। वो अपने कुर्सी का रक्षा कौन जीत रहा है, सीतामढ़ी का सरकार कौन? एकदम अर्जुन राय भारी से भारी मत से जीतने जा रहे हैं। उनको जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और लालटेन छाप पर सभी वंचित वर्ग सभी लोग। आप भी ताली मारा तो बोलने नहीं आता, बोलते क्या? नाम क्या है? नाम क्या है? ललन मंडल। क्या नाम है? शिवजी शाह। शिवजी शाह। अरे शाह जी, ये जो विकास हुआ है इस 17 साल में नीतीश सरकार में विकास हुआ, 10 साल में मोदी सरकार में विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, जनता तो रोड पर आ गया। 5 किलो अनाज मिला? 5 किलो अनाज मिला, ऊपर से जमा कर रहा है। अभी तक कहा कि जब्बा आप सैनिक नहीं, अभी जो 5 किलो अनाज वो मोदी जी दे रहा है, एक तरफ जब्बा भी कर रहा है। इतना जो हमारे गरीब लोग जो जा रहे हैं विदेश खटने के लिए, राजस्थान पूना हैदराबाद से जा रहा है, तो मोदी जी हमारे गाँव में कौन अपना जैसे जनता के लिए कोई विकास, कोई फैटी कुटी दुनिया जान करवाए? तो मोदी जी को कभी वोट दे के आजमाए हैं? आजमा तो दिए हैं वोट नहीं। अच्छा, पिछले बार दिए थे। सर, युवा को अनाज नहीं रोजगार चाहिए। क्या नाम है? सुनील प्रतिहस नाम है मेरा। सुनील प्रतिहस जी सर। जाति से? ब्राह्मण है। ब्राह्मण है जी जी। किधर? देखिए, वो तो मतदान है, मतदान है। हम आपको बता करके नहीं बोलेंगे कि हमें उनको देना है उनको। हाँ, जिनका काम अच्छा लगेगा उनको सपोर्ट दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा। तो ये चुनाव जात पर, पलायन पर या फिर रोजगार पर, नौकरी पर, राष्ट्रवाद पर या 5 केजी अनाज पर, क्या अरे क्या हालचाल है? देखिए, अरे अरे कोई बात नहीं यार। ए भाई, अरे काहे घबराते हैं? अरे रहने दो भाई, रूप अनेक। अरे कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा कौन? जो बोलेगा। नहीं बोलोगे? नहीं बोलेगा भैया। साल का जो है देवेश चंद ठाकुर, उन पर कोई दाग नहीं है। 4 लाख से जीतने जा रहे हैं, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद ठाकुर बनेंगे। वही बनेंगे, वही बनेंगे। लोग ये नहीं लाइक है, कभी भी 22 साल के कार्यकाल में देवेश चंद ठाकुर ऐसा नेता है दाग लगा के दिखा दीजिए थे। कोई दाग नहीं है देवेश चंद ठाकुर को, इसलिए वही जीत रहे हैं। वही जीत रहे हैं 4 लाख से, सीतामढ़ी का सांसद देवेश चंद ठाकुर 4 लाख से। 4 लाख से घमासान मचा हुआ है जी हाँ, 4 लाख से देवेश चंद ठाकुर। अरे तो बराबर जानते हैं, हमको जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया? हम भी आपको जानते हैं। हमको नाम जानते हैं आप? विजय शंकर मंजा। ये जो प्रचार आप कर रहे हैं फालतू में कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इसका, है जनता अपने समझदार है, जनता समझदार है, सब वोट कर रहा है अपना ढंग से, वोट कर रहा है बिल्कुल। अच्छा ये बताइए भैया, बताइए, हम जो बोलते हैं ये हम नहीं बोलते हैं, ये पब्लिक बोलती है, पब्लिक सुनती है, तो आपकी आवाज देश भी सुने। ये जो चुनाव चल रहा है 2024 का प्रधानमंत्री वाला, तो इसमें मुद्दा क्या है? जात मुद्दा है, विकास मुद्दा है, रोड नाला पुल पुलिया सड़क का निर्माण मुद्दा है। अरे सुन लीजिए, 5 किलो जो अनाज मिल रहा है, आप दे रहे हैं 5 किलो अनाज, क्या हमको इंदिरा गांधी का सरकार से मिल रहा है? आप दे रहे हमको? अरे मोदी जी, अरे मोदी जी क्या कहेंगे? हमारा ऊपर से मिला हुआ है, वो अपने घर से दे रहे हैं क्या हमको? अभी वहाँ धमका रहा है, लंबा वोट देने जा रहा है, मजार हमको धमका रहा है। ऐसे बात माइक में नहीं कहिए। अगर कोई धमका रहा है तो आप जाकर के आप 1950 नंबर पर कॉल करिए। क्या बोले बोलिए, इसमें हम बोल देते हैं आपको। तो ये भुटवा कथी बजा रहा है? भुटवा हम लोग जो जो दे रहा है, जो 15 साल से भोग रहा है उस पर उल्टा कर रहा है। इसमें कोई विकास नहीं हुआ है, ये रोड का मोदी जी का देन है, ये तो सरकार का काम है, ये तो बिहार सरकार क्या सेंट्रल सरकार बेच चुका है सबको। बेच दिया बिल्कुल, रेलवे बेचा है। अच्छा, आपको बड़े बड़े प्लांट बेच दिए हुए हैं, यहाँ है क्या? सब बेच दिया, टोटल बिक्री है। तो कह रहा अभी तक कहा कि 4 लाख से जीत रहा है? अरे कोई लाख से नहीं जीत रहा है, यहाँ अर्जुन राय जीत रहा है। यहाँ अर्जुन राय का है, अर्जुन राय जीतेगा। तो लोगों के मत यही है, लोकतंत्र की खूबसूरती। कथी नाम है?
विजय पासवान। विजय पासवान, अब विजय भैया चिराग पासवान के जोड़े हैं। चिराग पासवान के जोड़े हैं? है, है। हाँ। चिराग पासवान जिसके जोड़े हैं उसी के जोड़े हैं या बगल में है? नहीं, उसी के जोड़े हैं। जात पर? नहीं, जात पर नहीं, जो विकास कर रहे हैं उस पे है। नहीं तो जात वाला भाई? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, विकास पर है। हाँ। तो कौन जीत रहा है सीतामढ़ी? सीतामढ़ी से? हाँ, सीतामढ़ी जीत रहा है दिवेश चंद्र ठाकुर। हाँ, कितना मत से? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है? बालेश्वर दास। बालेश्वर दास, कथी पर जीते चुनाव? राशन पर कि विकास पर कि मजदूरी पर? कहीं जाओ लेकिन मोदी के जीताना है सिर्फ। जाओ किधरो? उसमें जब मिला हुआ है तो वो सबसे जीतेगा ही। तो सब कांग्रेस से दिए हुआ है सब सब कुछ। कांग्रेस के नहीं है यहाँ, मार देता अभी तक कांग्रेस के। आधा आधा कर दिया रहता है लॉकडाउन जो हुआ है ना, उस टाइम से आधा कर देता, लेकिन वो मोदी बचा दिया है ना। मोदी बचा दिया, बचाया वो। अच्छा घर घर। अच्छा, वही रहेगा। तो ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। लोकतंत्र में लोगों को बोलने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है, अपनी बातें रखने के अधिकार होते हैं। तो और भी लोगों से बात करूंगा, उस तरफ चलता हूँ, वहां बात करता हूँ। हमारी गाड़ी यहाँ लगी हुई है, बारिश हो रही है। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और सलमान सागर फैंस क्लब लगातार आज तक खबरें पहुंचा रहा है। मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला के सैदपुर प्रखंड के गाढ़ा में हूँ। यहाँ पे देखिए, ये गाढ़ा चौक है। मैंने तो अपना मतदान कर लिया है, आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, मत चाहे जिस किसी को दीजिए, यह आपकी मर्जी, लेकिन मत देने जरूर निकलिए। आप मत देंगे क्या भैया? मत देने चले गए या दे दिए? नहीं, अभी जाएंगे, जा रहे हैं। क्या नाम है? श्याम कुमार। जो वोट गिरने जा रहा है, विकास पर, रोजगार पर, नौकरी पर, देश पर कि 5 किलो अनाज पर? ये तो विकास पे दिए जाएगा। विकास पे दिया जाएगा? कैसा विकास चाहते हैं? विकास कैसा? देखिए, यहाँ पे स्कूल के लेके मेडिकल के लिए कुछ भी ऐसा है, जे भी है सम, जो व्यवस्था है उसे संतुष्ट हैं या उसको बदलना चाहते हैं? जो है वो भी ठीक है। हाँ। आगे हुआ वो भी बेटर है, मतलब धूलमूल। धूलमूल है? हाँ। जे भी आगे हो। कौन जीतने जा रहा है? ऐसे कैसे बताते हैं? शाबाश, बहुत मजबूत आदमी है। मने मने कहला न, कोई न समझ ला। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार महतो। देवेंद्र कुमार महतो। अच्छा भैया जी, बताइए कि जो अभी जो आप मत चल रहा सीतामढ़ी में, ये विकास पर जाएगा? विकास पर जाएगा, जात पर जाएगा, नौकरी पर जाएगा, मोदी के नाम पर सब जाएगा? मोदी के नाम पर जाएगा। मोदी जी विकास किए हैं? बहुत विकास किए हैं। जैसे कि नहीं देखते, सबसे पहले सोल्डर लाइट देते हैं, सोल्डर लाइट काले दिए हैं, रोड दिए हैं, लोकल में मिलता है। यहाँ पर चाचा नीतीश दिया होगा? अरे तो वही ना है, गठबंधन में ना है महाराज, तीन चार मरते पलटी मार। पलटी में चाचा वो नहीं थे, लेकिन फिर से घी पर आ गए ना, घी पर आ गए। मोदी जी के नाम पर चलेगा? हाँ, सब मोदी के नाम पर चलेगा। यहाँ पर किसी का नहीं चलेगा। 5 किलो अनाज सब मोदी के नाम पर चल रहा है फिर? हाँ, केसरी कहता है कि नौकरी, वो तो चारा चोर है, क्या करेगा वो तो बाप 15 साल खा गया, फिर बेटा खाने के लिए तैयार है। हम दिए तो छोड़िए ना, वो कहीं उप माने चुप होता है, वो क्या देगा? अच्छा, उप माने चुप होता है, वो क्या देगा? अभी जो दो उप मुख्यमंत्री वो चुप है, तो वो चुप कैसे? वो तो है ना नीतीश कुमार के साथ, मेन तो उसका बॉस नीतीश कुमार है, काम करने वाला। जी चाचा, इनसे कुछ बोला जाए? हम पूछ रहे हैं, क्या नाम है चाचा? श्री नारायण सिंह। श्री नारायण सिंह जी, जी सीतामढ़ी का फिजा किधर? बस 400 पार। 400 पार हो जाएगा? एक 422 जाएगा। 422 पूरा दीजिएगा, आँख मुन के, आँख मुन के, कहीं कोई सुख सुविधा नहीं मोदी जी को। फिर हम लोग जंगल राज में जाने वाले, रोड देख रहे हैं ना, जब हम लोग थे लालू जी के जमाने में गाड़ी पर चढ़ते थे तो लौट के सीतामढ़ी से आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई डर नहीं था। हाँ जी, जब से नीतीश जी आए हैं तो रोड चकाचक, लालू जी बोले थे हेमा मालिनी का गलत कलर रोड, इतने वो सहीसा रोड बना दिए कि जनता त्रस्त थी। हाँ। बहुत अच्छा जिंदगी है नीतीश के सरकार में, मोदी के सरकार में। जय श्री राम। चाचा हमारे रहेंगे जोड़े कि फिर वो अब कहाँ जाएंगे? अब उनको दिल्ली ले जाके उपराष्ट्रपति बना देंगे या सरकार चेंज जाके वहाँ जाके बैठा देंगे, बैठा देंगे कि आप महंत रहिए, दीवार में लगा के कांटी ठोक देंगे, महंत रहिए आप, यहाँ रहिए आप। अब नया लड़का सबको दीजिए चांस, वो सब सरकार चलाएगी। बिहार, बिहार का अगला भविष्य कौन है? बहुत है, यहाँ गिनती एगो दूगो है, उनसे ना पूछिए कि उनका पीएम चेहरा बंसवाद नहीं ना है। बंसवाद चिराग पासवान कर रहे हैं तो वैसा नहीं ना कर रहे हैं, अपना नाना पोता नानी को नहीं ना दे रहे हैं। रामविलास है उनके, रामविलास चला गया ऊपर।
अभी नहीं ना है, अकेले है, तो दिया है। तो बहनों ही नहीं दिया है, यहाँ तो बेटियों बेटा में सब मिल जाता है। अच्छा, बेटी को नहीं देना, बहनों को दे सकते हैं। तो क्यों नहीं, जो सिंगापुर से आकर के देखते हैं यहाँ लड़ रहा है, यहाँ क्या विकास करेगा वो? चुनाव जाति पर चल रहा है कि नहीं? नहीं, जाति पर नहीं चल रहा है। ये बिहार है, यहाँ के माटी में सिर्फ जाति और जाति है। जाति गढ़ा कर लगता है, नहीं जाति पर नहीं है सर। क्या नाम है? जगदीश मंडल। जगदीश मंडल कहाँ चलेगा मंडल जी का? मंडल जा कहाँ रहा है? मोदी भाई के हाथ में। मोदी भाई के हाथ में? मोदी जी देश को ठीक रखे हुए, बहुत खुशहाल रखे हुए। वो कहता है इंडिया गठबंधन, रेल बेच दिया, हवाई जहाज को प्राइवेट कर दिया, खेत सबको बेच दिया, नौकरी के चक्कर में, घूस लेने के चक्कर में दस्तावेज अपने पॉकेट में रख लिए। कौन 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 रख लिया? जो सरकार जो आपको चकमा दे रही है। अच्छा, मोदी की दस्तावेज जारी किया या जला रहे हैं? चुरा लिया नहीं है। अच्छा, इसमें बैटरी रहेगा तब तो जलेगा? लालटेन में? इसमें? अच्छा, इसमें नहीं रहेगा तो जलेगा? जल रहा है। वो बात कहा है, लेकिन जो आपका सिंबल है। अच्छा, मटिया तेल उसमें खत्म है? लालटेन में जंग धर लिया? जंग धर लिया? जंग धर लिया, खत्म। सब लेकर के रख लिए। तोहर रजिस्ट्री की कहां ले को? हमर बिहार या सीतामढ़ी में छी, हमरा सब सतुआ बेचते आयो। अच्छा, सतुआ क्या काम करे? केनी तीर है? तीर है, कमल निशान यह तीर है तो वही है। अच्छा, और लोगों से बात करता हूँ, और लोगों से बात करता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। हाँ भाई, अरे बोलिए, क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार हो गया सर। नीरज जी, ये चुनाव जो है नौकरी पर, रोजगार पर, कि जात पात पर, कि विकास पर, ये कि 5 किलो वाला विकास पर, विकास पर, विकास पर, कैसा विकास, कैसा विकास? विकास जो हमारा मूलभूत सुविधा, हमारा सड़क है, सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, ये सब इस चीज पर, विकास पर हम लोग, विकास के मैटर में हम लोग वोट कर रहे हैं। अच्छा, और मोदी जी के राज में जो है ये सब चीज सुचारू रूप से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। वो कहता है इंडिया गठबंधन, घुमा भी दे रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि मोदी जी ने रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन किया है हर चीज का, प्राइवेट किया है, प्राइवेट हो गया, बेच दिया सब। जी सरकार एकदम लिमिटेड, हम लोग का लग गया मीटर पर चलाने वाला, हम सब है गली गली में कई गो नल जल चल रहा है। नीचे सरकार एक बार आके कहे तो दिखावे तो जो एगो नल और जल चल रहा है, एक अगर कह देगा तो दवा में आपको ठोक कर देते हैं, आप जो कहिएगा वो करने के लिए। कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? जो जो साथ नीचे लेके आया कि नहीं नीतीश कुमार की, जो साथ नीचे के योजना हम लेके आ रहे हैं, नल जल योजना और बिजली। ये बिहार में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं क्या, ये चलेगा? जिसके पास जनता, जो गरीब जनता के पास में नहीं रहेगा पैसा, क्या रिचार्ज करवाएगा? आपकी बार का वोट जो है रोजगार पर जाएगा? रोजगार पर नहीं, हम लोग देश के सेना पर दे रहे हैं, जो बात है एकदम क्लियर कहते हैं। बिहार का जनता सब दिन अपना पहुंचा सर कमा के खाया है और खाते रहेगा। तो सेना पर दे रहे हैं? सेना के नाम पर हम लोग दे रहे हैं। किधर? नीतीश कुमार को हार धार के तो देना ही पड़ेगा। अरे आत्मा से दुखी राम है लेकिन मन से सुखी है। मुखिया वहा खाया और दूसरा कौन खाया? वो खाया, दूसरा कौन से पूछे? सब पूछा, सब पूछा। खाली चालू कर रहे, पानी का बात नहीं है। अरे सांसद वाला चुनाव है, ये पानी वाला नहीं है, सांसद के बात करो। क्या सरकार किसकी बनने जा रही है? तीर छाप को? तीर छाप को कथि दिया? तीर छाप कौन चीज दिया हमको? तो कुछ भी दिया, मैंने रिक्शा दे, सब दे रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर बोला कि रिक्शा देंगे, देवे नहीं किया। कहाँ दिया रिक्शा? फिर भी तीर छाप, फिर भी तीर छाप। हम खाली नीति मोदी के लिए दे रहा है तीर छाप को, मोदी के लिए। मोदी नीतीश अच्छा नहीं है? नहीं, वो तो कहता है कि हम काम कर लिया, हमको लेन देन कम किया, तुमको लेन नहीं किया। दोनों से पूछिए, थोड़ा बात करते हम बात करते हैं ना लोगों से, हम खुद बात करते हैं। क्या नाम है? विद्यानंद कुमार। विद्यानंद कुमार जी, मत कहाँ जा रहा है? जात पर, धर्म पर, रोजगार पर, काम पर? काम पर? किस काम पर? देश नीति, विदेश नीति, सर एक मिनट, विकास
5000 में आदमी बिक जाता है यहाँ के ग्राहक के आदमी 5000 में बिक जाता है। 1000 आदमी में यही लोग है जो बिकते हैं और कोई नहीं बिकता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ये पर्सनल नहीं कहना है, माने माने कहला ना कोई नहीं समझ लेना, ऐसा बतियाओ। हाँ कहा जाए क्या पूछिए। तो ये जो चुनाव चल रहा है, ये रोजगार पर जाएगा, पलायन पर जाएगा, किस पर जाएगा? किनेगा तुम नहीं, रोजगार पर भी जाएगा, रोजगार मिलेगा, काम तो मिलेगा, रोजगार काम दे रहा है। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल में 20 करोड़ मिला कि नहीं? आखिर इतना कारोबार बढ़ा तो रोजगार बढ़ा कि नहीं, सो बताइए। लोग की पूरा अच्छा ना, अब सबको सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी कौन सरकार है जो भाई जान बताइए, कौन सरकार है जो पूरे प्रदेश में सबको नौकरी दे सकती है, पहले ही बताइए। मोदी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ कारोबार बढ़ा। अभी जो है मंदिर बना है, कितने करोड़ का नौकरी उसमें बेरोजगारी दूर हुआ है पहले बताइए। आयुष्मान कार्ड बना है, इतना सुविधा मिला है, अब इसको नहीं देगा तो किसको देगा बताइए? तो आप समझिएगा ना, किसको दीजिएगा? जा रहे हैं अभी तो वोट गिराने का, नीतीश कुमार के दे रहे हैं सर वोट इच्छा पर, लाखों लाख से निकल रहे हैं। भोला पासवान, भोला पासवान, चिराग पासवान के आदमी है जी जी जी, जात के नंबर जाके जात सख्त जाएगा, काम पर भी दे रहे हैं, काम पर भी जी। चिराग पासवान के दिया करता है, यो तो भस्म वंश बात करता है, बाप सांसद, बेटा सांसद, भाई सांसद, भतीजा सांसद, हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे अगले चुनाव में। अगले चुनाव हमारे विलास पासवान जी किसी भी विभाग में गए हैं, जहाँ तक मौसम वैज्ञानिक थे जी, आज तक कोई कैरियर उनका बताया गलत है। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, बोलो भाई किधर? सर हम लोग तो बेरोजगार है, जो बेरोजगार देगा उसको हम वोट देंगे। बेरोजगार हो? यस सर। ये बहुत बड़े भाई नौजवान आदमी है, बहुत देर के बाद मिला जो कहा कि मैं बेरोजगार हूँ, जो रोजगार देगा पढ़ा लिखा की भाई? यस सर। रोजगार नहीं मिला? नहीं सर। रोजगार चाहते हैं? यस सर। तो रोजगार कौन देगा सर? जो देगा हम उसको वोट देंगे, यही जान लीजिए। पी यादव ने तो कहा कि हमने दिया, तो बोले हैं किए हैं, किए भी है, किए भी है, साढ़े चार लाख वैकेंसी तो कहा नहीं किया है, किए हैं, वही किया, वही नहीं कहते कौन किए हैं, बोले ना तो किए हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा सर, एक बात और मैं कहना चाहूंगा सर, वो अभी हम थोड़ी देर पहले विकास के मुद्दे पे बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले विकास के मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, अब एक चीज और कहना है सर मुझे, सारे गवर्नमेंट से दल कोई भी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, अगर यदि आप लोग सही माने में विकास चाहते हैं तो सबसे पहले बिहार से पलायन को रोकिए। पलायन कौन रोकेगा? 17 साल से बीजेपी और नीतीश कुमार का सरकार सर, एक तक फैट्रिक नहीं लगा सके हैं अभी तक, समझिए ये है बिहार का स्थिति, ये समझिए। 17 साल से जब जाति पर वोट गिरेगा, जब धर्म पर वोट गिरेगा, जब मोहल्लावाद वंशवाद पर वोट गिरेगा, जब अपने अपने पसंद पर वोट गिरेगा, जब माल महाराज पर वोट गिरेगा सर, पलायन तो नहीं रुकेगा। अभी कंपनी से और बोलते हैं कि हम हिंदुत्व पर वोट देने के लिए 250 करोड़ बीजेपी को फंड गया चंदा सर, क्या बात करते हैं, 250 करोड़ रुपया चंदा गया इलेक्ट्रिक बॉन्ड में, देख लीजिए जाकर हिस्ट्री, 250 करोड़ है। हमने भी सुना है 250 करोड़ जो गया है बीप वाले, बीप कंपनी जो है, जो बीप का रोजगार करती है, बीप का कारोबार करती है, इसका मतलब हुआ कि सरकार ने बढ़ावा दिया। बोलते हैं कि गौ माता करते हैं, एक तरफ गौ माता करते हैं और दूसरी तरफ उससे 250 करोड़ का चंदा आप लेते हैं, ये क्या हुआ? आप तो बता दे, पटना में रहते हैं सर, क्या हुआ? ALP का वैकेंसी आया था, जो प्रोटेस्ट हुआ था, लड़का सबको नजर बंद करने के लिए धारा 144 लगाया गया और सब लड़का को धमकाया जा रहा था कि तुम रूम से बाहर निकलेगा तुम पर FIR कर देंगे, इतना हुआ है यहाँ पर पटना में। क्या चाहते हैं हम लोग सर? जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे, यही कहा जा रहा है। रोजगार जो देगा नीतीश अच्छा कहते हैं इंडिया कि हम लोग वोट दे रहे हैं, यही बात है, इंडिया को दे रहे हैं। यस सर, नीतीश कहते हैं कि हमने हालात बदला, हमने सरकार कोई भी हो प्लान को बंद करवा बिहार से। अरे नेतवा से लेते सरकारी नौकरी से पूछते हैं आप लोग कि तुमको हम वोट दे रहे हैं, सूरदास बन के तुमको हम वोट दे रहे हैं, अखबार खोल के पूछते नेता लोग से, जिस छाप पर दीजिए आप, चाहे आम पर दीजिए, इमली पर दीजिए, चाहे अंगूर पर दीजिए, नेता से जब आप बात करना शुरू करिएगा भैया मैं आपको मत दूंगा, तब तो फील्ड में नेता आवे तो आमने सामने बात करे नेता, तब तो वो चेला चट्टी को उसको 50,000 दे दिया, उसको 10,000 ए तनका देख लिया हूँ के
उसको 50,000 तनखा देख लिया वो उन्ने के। आप लोग को नहीं मिला? हम लोग ऐसे में है ही नहीं सर, हम लोग उसमें है ही नहीं। हम थोड़ा ना मिल लो की हम सब उसका काम, हमारा सब आगे में थोड़ी नेता आएगा। तो ये बात कर दे तो हल्ला कर देंगे। क्या भाई क्या, अरे कहाँ घर है? घर है गिरा दिए। हाँ। कति पर? जात पर, नौकरी पर कि विकास पर? देखिए न जात पे न पात पे न नौकरी पे न शिक्षा पे। नौकरी पर नहीं, शिक्षा पर नहीं, नहीं शिक्षा पर नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं हर इंसान का अपना अपना फंडामेंटल जो राइट्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम सभी वोट देते हैं। वोट एक पर्व के जैसा है, लेकिन हम जो वोट दिए हैं वह एक व्यक्ति का चेहरा श्री नरेंद्र मोदी जी का देख करके दिए हैं, और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है जो 60 साल में कोई प्रधानमंत्री इस भारत देश के लिए नहीं किया है, वह श्री नरेंद्र मोदी जो भी माननीय प्रधानमंत्री है उस देश के लिए किए हैं। क्या कर दिया देश के लिए, क्या नहीं किया? आप एक चीज बताइए जो उन्होंने देश के लिए ना किया हो। दो करोड़ नौकरी नहीं दिया, कहा तो 2 करोड़ नौकरी देकर कह कर के मैं अभी तक बहाली बंद है। बिल्कुल नहीं दिया, नौकरी काट के 8 साल की नौकरी काट के सर दिया जी। ये जो अग्निवीर का मुद्दा उठाया जा रहा है ना जी, जो अपोजिशन है वो जो कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप एक चीज बताइए, और भी देश है जहाँ पे रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन क्या वहाँ के लोग कमा खा करके जी नहीं रहे? रोजगार अगर नहीं है तो हम नए नए अवसर पैदा कर सकते हैं। वी ऑल आर एजुकेटेड सर। शिक्षा के मामले में भले ही हमारा बिहार पीछे हो, लेकिन भारत तो पीछे नहीं है ना। हमारे भारत का एक राज्य जो केरल है उसमें शिक्षा कितना है? जो भी IAS IPS ऑफिसर निकलता है बिहार से निकल के जाता है, बिहारी कहीं भी जाता है तो झंडा गाड़ के आता है। तो झंडा गाड़ के तो बिहारी आता है, लेकिन ये बिहारी बाबू जो गुजरात जा रहा है ये मोदी जी के चेहरे पर जा रहा है। आपने कहा कि हम पढ़ाई पर एजुकेशन पर नहीं जा रहे हैं, नहीं हम उस भोले चेहरे पे जा रहे हैं। नहीं नहीं हम मैंने ये नहीं कहा कि मैं भोले चेहरे पे। देखिए हर इंसान का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, हमारा व्यक्तित्व आपको पसंद आ सकता है नहीं भी आ सकता। आपका ये पर्सनल राइट है, चॉइस है, पर्सनल राइट और पर्सनल सजेशन, पर्सनल परफेक्शन के साथ मेरा ये चॉइस और सिलेक्शन है। सिलेक्शन है, मैंने बीजेपी को चुना, बीजेपी के ऊपर मैं भरोसा करता हूं, इसलिए मैंने उनको वोट दिया। क्या क्या काम चाहेंगे भाजपा से अगर जीतती है भाजपा की सरकार, अगर तिवारा बनते तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री? माननीय प्रधानमंत्री जी से बस इतना विनती करना चाहता हूं कि हमारे जो युवा वर्ग के हमारे जितने भी भाई है बहने हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिला है, जैसे अग्निवीर वाला मुद्दा, इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए। और जो सेना की तैयारी करते हैं वो भाई पूरी 4-5 साल मेहनत करके तब जाके भारतीय सेना में वो भर्ती होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि 4 साल की नौकरी न दे करके उसको परमानेंट किया जाए, ताकि लोग उम्मीद है कि ये 4 साल परमानेंट हो जाएगा। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है सर, ये बात आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हम एक विश्वास के साथ ही उनको मत दे रहे हैं, उनका चुनाव कर रहे हैं, आगे मोदी जी की इच्छा। देखिए जनता के पास वो पावर होता है कि अगर आप हमारे लिए नहीं है तो हम भी आपके लिए नेक्स्ट टाइम से नहीं है। जनता आपके ऊपर भरोसा करती है, तो आपके कामों को ध्यान में रख करके, आपके वादों को ध्यान में रख करके। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार सिंह। क्या पढ़े हैं? बीकॉम अकाउंट ऑनर। चलिए बहुत बढ़िया बोल रहे थे, एक जो जागरूक मतदाता होते हैं उस तरीके से आपने बात किया, आपने बताया कि अपने मतों का जो अधिकार होता है उसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं। और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर कि सबके बदल रही हालात लगे छे क्या है कि न बदल रही की नई सरकार कुछ देलक की न कुछ न देला ना, कोई न कुछ कोई सरकार न देला, कोई न देला, कोई न करे के की है ये मत पे आ या करे के ऐसे कर रहल छी, कर रहल छी। हां हां सब बदल लख, लेकिन आ के ना बदल ना 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 कोई सरकार कहियो न देल के या न देतै, न देतै या न देतै जे हमरा करे के से कर रहल छी। तो वोट गिरा देली आ जबै आब। हां तो ई जो वोट गिरतै ई जात पर गिरतै, धर्म पर गिरता है, वो अपना मर्जी के ऊपर, अपना मर्जी के ऊपर। अधू हम यहाँ के ना कह दे ना ना ठीक है ना कह दे ठीक है ना है कह मामा के बात मन में रही। हाँ ये बात ना कहे के चीज है ना। एहन एहन तेज आदमी कहियो कहियो बिठाता लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, तमाम लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। और दवाई सौ बिहार न्यूज हमसे ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, अभी दवाई सौ बिहार न्यूज पर सलमान सागर फैंस क्लब पर दोनों पर ये लाइव चल रहा है और हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं।
आप चाहे जिस किसी को मत करिए लेकिन करिए, आप चाहे जिस मुद्दे पर करिए लेकिन करिए, क्योंकि आपके एक मत को आपके बूथ तक पहुंचाने में सरकार का, आपके देश का 6 से 7 हजार रुपया खर्च होता है। पुलिस आता है, गाड़ी आती है, पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं, सिस्टम बनाया जाता है, बूथ बनाया जाता है, बैलेट पेपर का निर्माण होता है, ईवीएम लाया जाता है, गाड़ी लाई जाती है, तमाम तरह से खर्च होते हैं। तो आप अपने देश के इस पैसे को व्यर्थ में न जाने दे, घर से निकलिए, मतदान करिए और मतदान के साथ ऐसा सेल्फी लीजिए, मेरे को भेजिए, मैं अपने दोनों पेज पे आपकी सेल्फी लगाऊंगा, बताऊंगा कि आपने इस देश को मजबूत करने के लिए अपना मत डाला है। कैमरे के पीछे से सलीम दिलसाद, विनोद और सरोज काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो इस न्यूज को अभी कभी शेयर करिए, और अब्दुल्ला भी हमारे साथ कैमरामैन के लिए काम कर रहे हैं, और कमेंट में दर्ज करें कि सरकार किसकी बन रही है और सीतामढ़ी से कौन जीत रहा है।